थैंक यू सो मच। ये किरदार अविनाश कामत का है जो मुंबई पुलिस में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, और ये कहानी द फ्रीलांसर की है, नीरज पांडे सर की सुपरविजन में, विजन में। और मेरे किरदार का नाम अविनाश कामत है, एंड अविनाश कामत इज़ अ नॉर्मल डे टू डे पुलिस ऑफिसर जिसकी लाइफ एक्चुअली एक टर्न अराउंड करती है बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस। और किस तरीके से डॉक्टर खान का किरदार जो मिस्टर अनुपम खेर ने प्ले किया है, उनका किरदार उसे अपने अंडर गाइडेंस में लेता है, अपने विंग्स में लेता है और ट्रांसफॉर्म करता है और उसे इस काबिल बनाता है कि वो अपने एक वादा जो उन्होंने अपने भाई से किया था वो वादा पूरा करता है, सात समुंदर पार जाके अपने किसी चाहने वाले को, फैमिली मेम्बर को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है, जो कश्मीरा ने प्ले किया है आलिया का किरदार। दैट्स व्हाट द स्टोरी इज़ राइट नाउ। तो मेरे किरदार का नाम आलिया खान है और वो बहुत ही एक सिंपल स्वीट सी लड़की है जो बहुत ही अपनी लाइफ में एक नॉर्मल सी अच्छी लाइफ चाहती है, और सडनली बिकॉज ऑफ अ बिट्रेयल उसकी लाइफ 360 डिग्रीज पूरी बदल जाती है। एंड बट एक सिंपल स्वीट सी लड़की कैसे स्ट्रेंथ, हाउ शी फाइंड स्ट्रेंथ विद इन हर सडनली, एंड देन द फ्रीलांसर हु इज मोहित, हाउ ही कम्स एंड सेव्स हर एंड एक्सट्रैक्ट्स हर फ्रॉम देयर, दैट्स प्रीटी मच हर स्टोरी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन पॉपुलर कल्चर में पहली बार होगा कि एक इंडियन मर्सनरी को हमने वो भी वेब सीरीज वर्ल्ड में देखा है, एक ऐसा बंदा जो किसी सरकार किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम नहीं करता, अपने लिए करता है, और जिस तरीके से उसकी जर्नी दिखाई गई है जो मोहित ने प्ले किया है, एक मुंबई का ASI है जो फिर उसके बाद यूरोप मिडल ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में ऑपरेट करने लगता है, और फिर एक पुराने दोस्त के थ्रू एक ऐसा बंदा जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है उसे उसका इमोशन जागता है, एंड हाउ ही ट्राइज टू हेल्प आलिया अ गर्ल, जिस तरीके कश्मीरा ने एक्सप्लेन किया, जो किसी बुरी तरह से फंस जाती है एंड कैलिफेट की दुनिया में आती है, ISIS की दुनिया में आती है, एंड हाउ मोहित कैरेक्टर यूजेस आलिया एंड हेल्प्स हर फाइंड अ स्ट्रेंथ एंड इवेंचुअली हेल्प्स हर, which you'll see in the web series, navigate the ISIS world. Well, amazing experience था, बहुत ही बढ़िया experience था। जब आपके पास भव जैसे director हों जिनकी clarity of thought इतनी amazing है कि actor का आधा काम वहीं पूरा हो जाता है जब उसके पास एक ऐसा हाथ होता है जो आपको direction देता है। सो आई थिंक एज ए परफॉर्मर मेरे लिए बहुत चीज़ें आसान हो गई थी जब मुझे मालूम था कि जो इंसान मुझे निर्देशन दे रहा है उसका किस प्रकार से क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। सो द एंटायर एक्शन सीक्वेंसेस, इमोशनल ट्रॉमा, रोलर कोस्टर राइड्स, आपको कहानी में हर तरीके का इमोशन देखने को मिलेगा। इट्स देखने में ये सिर्फ आपको अभी एक ह्यूमन एक्सट्रैक्शन की कहानी दिखती है एक्शन बेस्ड, बट इसमें एक्शन के साथ साथ बहुत कुछ ज़्यादा इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व है। किस तरीके से आलिया का किरदार अपने पति से प्यार करती है, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, आलिया की उनकी माँ के साथ कैसा है, मेरा उनकी माँ के साथ उनसे जो मैंने वादा किया था वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, मी माय कैरेक्टर एज अ फादर, माय कैरेक्टर एज अ हस्बैंड, एज अ फ्रेंड, ऑल दीज थिंग्स प्ले अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन स्टोरी टेलिंग। सो आई थिंक जो एज एन एक्टर एज अ परफॉर्मर जब इतने डाइवर्स एटमोसफेयर में आपको काम करने का मौका मिलता है तो इट्स अ एक्सपीरियंस यू ऑलवेज चेरिश।